रामपुर नगर पालिका की ऑटोमेटिक स्वीपिंग मशीन चोरी और आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से बरामदगी के मामले में बुधवार को रामपुर के MPMLA कोर्ट में आजम खान और अब्दुल्ला आजम की सुनवाई हुई। ये मामला MPMLA कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट में होने वाली सुनवाई के मद्देनजर अब्दुल्ला आजम को कड़ी सुरक्षा में हरदोई जेल से पेशी के लिए रामपुर लाया गया, जबकि सीतापुर की जेल में बंद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। अपराध संख्या 211 के मुताबिक आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से रामपुर नगर पालिका की मशीन गड्ढे में दबी हुई बरामद की गई थी। इस मामले में कोर्ट ने अपीयरेंस के लिए दोनों को तलब किया था। देखिए, आज बहुत सारे मैटर्स थे, लेकिन एक क्राइम नंबर 211 मशीन वाला जो मैटर था, उसमें फिजिकली तलब किया था उस केस के अंदर उनकी हाजिरी। तो क्या उसमें जमानत की क्या अर्जी थी बात के लिए? जमानत नहीं, उनका ट्रायल चल रहा है। तो ट्रायल के अंदर जो तारीख पड़ी थी उस तारीख पे उनको बुलाया था, और जमानत की अर्जी तो उनकी पेंडिंग ही दूसरी थी। तो क्या कोर्ट ने क्या फैसला क्या रहा आज? कुछ नहीं, आज 20 तारीख भी है और रूटीन वे में उनकी अपीयरेंस चार्जशीट फाइल हो चुकी है। इसमें उनकी अपीयरेंस के लिए मैटर फिक्स था, उनकी अपीयरेंस हो गई आज और अगली तारीख। इसमें आजम खान की या तनीब फातिमा की भी इसमें? नहीं, इसके अंदर अब्दुल्ला खान और मोहम्मद आजम खान साहब जो है दोनों एक्यूज हैं। तो मोहम्मद आजम खान साहब को तो पेश नहीं किया गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपीयर किया गया, और अब्दुल्ला खान को जो है फिजिकली। आपको बता दें कि आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के करीबी सालिम और अनवार हुसैन की निशानदेही पर पिछले साल सितंबर में जौहर यूनिवर्सिटी परिसर से नगर पालिका सदर की ऑटोमेटिक स्वीपिंग मशीन की बरामदगी हुई थी। यह मशीन यूनिवर्सिटी कैंपस में तभी भी मिली थी। इस मामले में पुलिस जांच कर चुकी है, कोर्ट में चार्जशीट दाखिल भी कर चुकी है। इस मामले में दोनों पिता पुत्र ने जमानत की अर्जी भी दाखिल की थी, जो अभी कोर्ट में विचाराधीन है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री आजम खान सीतापुर और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान हरदोई की जेल में कैद हैं। अब्दुल्ला आजम के दो प्रमाण पत्र मामले में पिछले महीने की 18 तारीख को सजा मिलने के बाद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को जेल भेज दिया गया। उसके कुछ ही समय के बाद तीनों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया, जिसमें आजम खान को सीतापुर, अब्दुल्ला आजम को हरदोई, जबकि तंजीन फातिमा को रामपुर जेल में रखा गया है।